पाकिस्तान जो फाइनल में पहुंचने का मौका है, टीम की तैयारियां हैं मुकम्मल? देखिए वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन है मुकम्मल खुद, और उनको ज्यादा पता होगा, उनका एक्सपीरियंस तजुर्बा है, हमारे साथ भी खेलते रहे, बड़े कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, पॉजिटिव माइंड से क्रिकेट खेली उन्होंने और उसके बाद भी पॉजिटिव रहते हैं माशाल्लाह से वो, तो उनके ज्यादा अच्छी सोच होगी और ये मौका है पाकिस्तान के पास कि वापस कमबैक करने का, रैंकिंग में T20 फॉर्मेट में है, उन्होंने भी पाकिस्तान टीम को जिताया T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में, तो एक पॉजिटिव साइन है उनके लिए, तो पाकिस्तान टीम को मौका मिला है और बाबर आजम वापस कमबैक करके आए तो एक टीम यूनिट की तरह खेले तो चांसेस हो सकते हैं, और पाकिस्तान भारी टीम है मेरे ख्याल में दुनिया की हिस्ट्री में कि वो कभी भी किसी की टीम के साथ कुछ भी कर सकती है, तो नेवर नो, अच्छा स्पेल लग जाए बॉलिंग में और बैटिंग में अगर रिजवान के क्योंकि यूनुस ने ये भी कहा कि ये स्टार और हीरो बनने का बड़ा मौका होता है। नहीं, बहुत बड़ी सीरीज होती है वो तो, नो डाउट, और एक्साइटिंग होती है बहुत ज्यादा। मुझे याद है कि 1997 में जब हम गए इंडिया चेन्नई में तो सही महीने में 94 रन खेले, लेजेंडरी आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स मैच में, 12 में था पूरा क्राउड और फुल था वहाँ पर पैक, तो इंडिया से तो एक्साइटिंग रहती है, और उसके बाद जो भी अगर इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस दिया तो एक दो साल तो उसके पक्के हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे आंकड़े के मैच होते हैं इंडिया से कि वो लोग कभी नहीं भूल सकते, तो वाइज क्रिकेट ग्राउंड में यही एक मेला लगता है इंडिया पाकिस्तान का जहाँ पर परफॉर्मेंसेज गिनाई जाती हैं, बताई जाती हैं ईयर्स बाय ईयर्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान में इंडिया की इंडिया पाकिस्तान के मैचेस बायलैटरल भी होनी चाहिए, सीरीज होनी चाहिए ताकि वहाँ पर आप कॉम्पिटिशन का, आपकी परफॉर्मेंस का पता लगता है, और हमारे दौर में अगर देखें तो सिद्धू और गंगोली जैसे जडेजा जैसे प्लेयर्स खेले होते थे उस दौर में, तो मेरे ख्याल में एक एक्साइटिंग रहती है और क्रिकेट की स्किल सीखने का मौका मिलता है, अंडर प्रेशर जब मैचेज होते हैं उससे बहुत कुछ सीखते हैं प्लेयर।